अरविंद पांडे है सर। ये कहाँ से तेल लेके आ रहे थे सर? हम इंदुआरी मोड़ विनायक सर स्टेशन से। परमानेंट लेके आते थे जी? हाँ। पंप से लेके आते कि डिपो से लेके आते थे? नहीं, हमको तो पंप से मिलता था, डिपो आता था वहाँ से, फिर वहाँ से हम भर के लाते थे यहाँ। टोटल कितना गाड़ी आता है उनका यहाँ? वही 4-5 गाड़ी आता है। 5 गाड़ी पर डे गाड़ी आता टोटल? हाँ, जैसा लोडिंग हो उस हिसाब से आता है। और किसके द्वारा भेजा जाता था? मालिक खुद भेजते थे। मालिक का क्या नाम है? वो विनायक सर्विस से लाते थे हम लोग। नाम क्या है मालिक का? नाम उनका नाम विनायक नाम है। विनायक पूरा नाम क्या? विनायक विनायक अग्रवाल है। विनायक अग्रवाल नाम है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, अभी हम लोग जो मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मौजूद हैं, और इलाका जो है मोरवा का है, मोरवा थाने का पीछे वाला पोर्शन है जहां पे ये गाड़ी जो है खड़ी करा गई है डीजल टैंकर। आपको बताते चले कि इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं अरविंद पांडे इनका नाम है, ये सोनभद्र डुमरिया के रहने वाले हैं, और इस गाड़ी में जो है लगभग 24,000 लीटर डीजल जो है मौजूद है अभी पड़ा हुआ। और इससे पहले भी एक बार कार्रवाई की गई थी, यूपी से ही गाड़ी आ रही थी डीजल लेकर 407 पर, वो गाड़ी आज भी जो है मोरवा थाने में खड़ी है जिसमें ड्रमों में तेल लोड किया गया था। और ठीक चुनाव का समय है, आज फिर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, यहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी है। आपको बता दें लगभग इसका जो है 15 लाख रुपये का डीजल बताया जा रहा है, और गाड़ी नंबर जो है यह 455W4996। ये कई चक्कर आ चुका है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, ये पेट्रोल टंकी से इसमें डीजल लोड करके यहाँ पर भेजा जाता है, जो कि सिर्फ यूपी में ही डीजल भेजना होता है। अगर ये डिपो से आता तो समझ में आता, लेकिन ये अनर्गल तरीके से रूट बदल कर जो है डीजल की सप्लाई की जा रही है, यूपी का तेल जो है यहाँ पर खपाया जा रहा है। और तो और बताने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस ने सीधे जो है कार्रवाई की है इस पर, जो है सामने डीजल जो है यहाँ पर मौजूद है, डीजल के साथ टैंकर जो है यहाँ पर खड़ा है। अब देखना ये है कि आखिर जो इस धंधे में जो लिप्त हैं, जो मालिक हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है कि सिर्फ ड्राइवर को ही मोहरा बनाया जाता है। बाहर हाल आप बने रहें, लेकिन चलते चलते फिर बता देंगे कि डीजल का कारोबार जो है बड़े पैमाने पर जो है ओबी कंपनियों में किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विराम लगा दिया है। लेकिन जो बड़े डीजल कारोबारी हैं जो सप्लाई कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात। आप पीछे हमारे डीजल टैंकर देखते होंगे खड़ा है, इसमें 24,000 लीटर जो है तेल लोड था, लगभग कीमत जो है 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आइए इसमें अब विस्तार से बात करेंगे। पहले जिनको आरोपी बनाया गया है उनका नाम है अरविंद पांडे। पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अरविंद पांडे है सर। ये कहाँ से तेल लेके आ रहे थे सर? हम इंदुआरी मोड़ विनायक सर स्टेशन से। परमानेंट लेके आते थे जी? इसका कागज उगर? हाँ। पंप से लेके आते कि डिपो से लेके आते? नहीं, हमको तो पंप से मिलता था, डिपो आता था वहाँ से, फिर वहाँ से हम लोग भर के लाते थे यहाँ। और किसके द्वारा भेजा जाता थे? मालिक खुद भेजते थे। मालिक का क्या नाम है? वो विनायक सर्विस से लाते थे हम लोग। नाम क्या है मालिक का? नाम उनका नाम विनायक नाम है। विनायक पूरा नाम क्या? विनायक अग्रवाल है। विनायक अग्रवाल नाम है। पेट्रोल टंकी इनका किस जगह पर बता रहे हैं? हिंदुआरी मोड़ पे। हिंदुआरी मोड़ पे जी। यहाँ कई बार आ चुके हैं आप लोग? यहाँ तो हम तो अभी वर्तमान में मान लीजिए 4-5 चक्कर से चल रहे हैं, इसके पहले दूसरा ड्राइवर चला रहा था। यहाँ लेके कहाँ पे आए थे मालिक? बीपीआर में हम लोग खाली करते हैं। बीपीआर में खाली कर रहे हैं। टोटल कितना गाड़ी आता है उनका यहाँ माल? वही 4-5 गाड़ी आता है। 5 गाड़ी पर डे गाड़ी आता टोटल? हाँ, जैसा लोडिंग हो उस हिसाब से आता है। बहरहाल आप बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।